पावन पुरुषोत्तम मास माहात्म्य कथा अध्याय एक। अधिक मास में भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास माहात्म्य की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। कथा की शुरुआत ऐसा कहकर करें, कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले हे वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार हो। नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से असित, अस्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगत्स्य, सुमति, वामदेव, सुतिक्षण, कात्यायन, मुंजल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्री, बब्रु, रथितर, रिभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, त्रित, पृथु, हारित, द्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन भार्गव, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जयमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, शक्ति, बधु, बोधायन, वसु, कौंडिन्य, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी, शतानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, पिंगल, अत्रि, रिभु, शांडिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाघाट, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, महासेन, आर्त, आमलकप्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्घट, उग्रशील, जलाशी, कालाग्नि रुद्रग, श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग, पृथुश्रवस आदि बहुत से मुनि आए। शिष्यों सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई करने वाले, स्मार्त कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा के लिए सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर सभी मुनियों को देखा। संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए जहां सभी इकट्ठे थे वहीं सूत जी भी जा पहुंचे। इनके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से युक्त गोपी चंदन, मृतिका के दिव्य शंख, चक्र का छापा लगाई, तुलसी की माला से शोभित, अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले, समस्त शास्त्रों की सार को जानने वाले, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगद्गुरु श्री व्यास जी की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण सहसा उठ खड़े हुए, विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। जब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे, तब सब ऋषि बोले, हे सूत जी,
आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हे महाभाग, आप थके हो, इस आसन पर बैठ जाइए, ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सुत जी, आप भाग्यवान हैं, भगवान व्यास की वचनों की हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। हे महाभाव, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला और शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चय विषय जो हो वह हम लोगों को कहिए। इस प्रकार ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, फिर वहां स्नान करके ऋषियों, देवताओं और पितरों को तर्पणादि से तृप्त करके फिर प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी की तट पर गया, फिर क्रम से अन्य सभी तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया, फिर काशी आकर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया, फिर गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया, धैनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती की तीर पर गया, फिर वहाँ त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया, फिर कृतमाला, कावेरी, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, नर्मदा नदियों पर गया, पुनः चरमणवती में स्नान कर सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा, फिर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री बन गया। नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार सभी तीर्थों में घूमता हुआ घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य प्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि है भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र बड़े तेज वाले बड़े प्रतापी श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले बड़े पुष्ट कंधों की संधि वाले अवधूत रूप वाले ब्रह्म रूप सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और उनके बालक जो उनको चिढ़ा रहे हैं दूर ही से खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा आसन बिछाया। यहाँ बैठे हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति बृहन्नारदीये श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये प्रथमोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।